सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन यार तुम सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये दुनिया दिखावे पे चलती है और इस दुनिया में जो चीज दिखती है उसी की कीमत होती है। और तुम लोगों ने सुना भी होगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो यार अगर तुम लोगों ने भी सिर्फ इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर इस वीडियो को डिसलाइक कर दिया है तो यार उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यार यूट्यूब ने डिसलाइक को पहले ही हाइड कर दिया। तो अगर तुम लोग डिसलाइक करोगे भी तो वो हमें दिखेंगे ही नहीं। माफ करना, मतलब तुम देख रहे हो यूट्यूब को भी हमारे औकात के बारे में पहले ही मालूम था। उसे मालूम था कि ये पत्थर से चूतड़ घिसने वालों के अपने खुद के पास का तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ये जेट स्प्रे से चूतड़ साफ करने वाले लोगों की गांडों को ही गंदा बोलेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि अच्छा भले कंटेंट को क्रिंज बोलकर अपना चैनल ग्रो करने की कोशिश करेंगे। गजब टूबी वाज आदमी, तो इसलिए यूट्यूब ने हम तो थोड़ा बहुत हमदर्दी दिखाकर डिसलाइक के बटन को ही गायब कर दिया। अब अगर तुम लोगों ने डिसलाइक किया तो वो सिर्फ तुम्हें ही दिखेगा, तो इससे अच्छा तो यार तुम लोग लाइक ही कर दो। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। और एक और बात यार, इतना भरोसा तो मुझे तुम लोगों पर जरूर है कि तुम लोग नेगेटिव चीजों को कभी भी सपोर्ट नहीं करोगे। तो यार फिर जब मैं इस वीडियो में हनी सिंह का रोस्ट कर रहा हूँ तो तुम हनी सिंह का रोस्ट देखकर दुखी क्यों हो रहे हो? तुम मेरी क्रिएटिविटी को देखो ना। और वैसे भी मेरे रोस्ट हनी सिंह के घर में रास्ता जाना तो बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग कॉन्टेंट की क्रिएटिविटी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हें आगे और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट मिलते रहेंगे यार। तो इसीलिए कमेंट में चूतिया बूते लिखने से कुछ नहीं होगा यार, फुल सपोर्ट लिखो। देख रहे हो तुम कितने सही से माइंड वॉश कर रहा हूँ मैं, इतना अच्छा माइंड वॉश तो बॉलीवुड वाले नहीं करते। और हाँ एक और बात, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यार इतना इंटेलिजेंट यूट्यूबर तुमने आज तक नहीं देखा होगा। मतलब देख रहे हो तुम, मैंने लाइक सब्सक्राइबर की भीख मांगी, वीडियो की लेंथ भी लंबी कर दी, लेकिन तुम लोगों को पता भी नहीं लगने दिया। अबे साले, ऐसे थोड़ा इतना इंटेलिजेंट हूँ मैं, खान सर डीएम करके टिप्स लेके जाते हैं मुझसे दिमाग तेज करने के। और अगर तुम्हें भी टिप्स चाहिए तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। साले तू सर, बहुत हो गई भीख मंगी और बकवास, अब चलते सीधा अपने मेन कंटेंट पर। तो सबसे पहले तुम हनी सिंह सर का बूम बूम सॉन्ग सुनो। इस गाने को सुनने के बाद एक बात मुझे पता लगी कि हनी सिंह और टोनी कक्कड़ इन दोनों साथ अपने दादा दादी जी के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया होगा, क्योंकि नहीं तो इन लोगों को भी मालूम रहता कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से कितनी इरिटेशन और गुस्सा आता है। टोनी कक्कड़ से तो हमारी उम्मीद ठीक वैसे ही जैसे कि सांड का गौमूत्र देना, लेकिन हनी सिंह सर आपसे तो हमें प्यार और उम्मीद दोनों ही है। प्यार तो आपके लिए हमारा कभी कम नहीं होगा, लेकिन उम्मीद आप धीरे धीरे तोड़ते ही जा रहे हो। पूरे गाने को सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि इस गाने के टाइटल में हनी सिंह क्यों लिखा हुआ है, उससे तो ड्रम ही लिख देते, क्योंकि पूरे गाने में हनी सिंह की आवाज से ज्यादा तो ड्रम की आवाज सुनाई दे रही है। छोड़ो फेर। अरे कहना क्या चाहते हो? हनी सिंह सर अपनी फैक्ट्री का खाता चेंज कर लो, वहाँ से एक ही जैसे बहुत सारे लिरिक्स निकल रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ यार कि दो चीजें ना बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, एक अपने पहाड़ की जनसंख्या और दूसरे हनी सिंह के गानों से लिरिक्स। शर्म करो, भगवान से डरो। यार एक बार हनी सिंह ने कहा था कि मैं अगर खाली सीट भी बेचूं तो वो भी बिक जाएगी, और उस टाइम पर यार वो बात बिल्कुल सही भी लग रही। लेकिन हनी सिंह सर आज आप खुद ही देख लो कि आज ऐसा टाइम आ गया आपके गानों को लोग प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। मेरी तरह गट गट पिएगी ऐसा ट्रेन में कर दूंगा, शैंपेन पिला के दूर तेरी पेन में कर दूंगा तेरे मेरे बीच। यार मैंने पूरा गाना सुन लिया और कसम से पहली बार ऐसा हुआ जबकि मुझे हनी सिंह के गानों में हनी सिंह को छोड़कर कोई दूसरा आर्टिस्ट उससे ज्यादा पसंद आया, जबकि यार इससे पहले हनी सिंह के साथ हनी सिंह के गानों में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी थे, लेकिन उन गानों में हम लोगों को सिर्फ हनी सिंह ही पसंद आता था। बात तो सही है, लेकिन साला आज तो ऐसा हो गया कि हनी सिंह के गानों में व्यूज ज्यादा, उनकी कॉन्ट्रोवर्सी की न्यूज आ रही है। अबे साले, चलो यार बस फिलहाल इस वीडियो में इतना, क्योंकि यार इस गाने के उतने लिरिक्स ठीक से मुझे समझ में आए नहीं। और रही बात गाने की म्यूजिक की, तो वो तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि पिछले एक साल से मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलो यार फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हाँ इस वीडियो में यार मैंने थोड़ा बहुत खुद को भी रोस्ट किया, तो यार इस वीडियो को लाइक कर दे।